दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इसरार भाई बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, बहुत ज़्यादा सीरियस वीडियोस बनाते हो कि यहाँ पर क्लिक करो, ये कर लो, वो कर लो। यार ऐसे मज़ा नहीं आ रहा जैसे पहले आप वीडियोस बनाते थे, शुगल मेला लगाते थे, पंजाबी बोलते थे, मोटिवेट करते थे, हमें मज़ा आता था, हम थोड़ा थोड़ा वीडियोस डालते जा रहे थे, हम कह रहे थे भाई यार अब देख मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वीडियो डालते जा रहे और बीच में हमारी वीडियोस वायरल भी हो रही थी, हमारा चैनल ग्रो भी कर रहा था, हमें ज़हनी टेंशन नहीं थी, हम सीखने के साथ साथ इंजॉय भी कर रहे थे। इसरार भाई वैसे ही वीडियोस बनाओ यार, अब वो मज़ा नहीं आ रहा वीडियोस में। तो दोस्तों परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, पहले वाला इसरार वापस आ चुका है, अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट आप लोगों को करूंगा, आप रेडी हो जाओ, परेशान बिल्कुल नहीं होना, पहले की तरह आपने वीडियोस डालनी है। इंशाल्लाह जैसे आप लोगों के पहले चैनल ग्रो हो रहे थे अब उससे ज़्यादा ग्रो होंगे, क्योंकि अब मैं पहले से ज़्यादा मोटिवेट करने वाला हूँ। और दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे लोगों के जब व्यूज़ नहीं ना आ रहे होते, YouTube पे सर्च करते हैं यार कोई अच्छी सी वीडियो निकालता हूँ और देखता हूँ कि यार व्यूज़ कैसे बढ़ाने हैं, वो सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसरार की वीडियो आ गई, देखा अंदर बताया हुआ है कि यार आप ना थंबनेल ठीक नहीं बना रहे, पहला इंप्रेशन थंबनेल का ही होता है, अगर थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, क्लिक ही नहीं करेंगे, जब क्लिक नहीं करेंगे आपका CTR कम जाएगा, जब CTR कम आएगा तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। तो अब जो थंबनेल है ना वो अच्छा बनाया करो, अट्रैक्टिव बनाया करो, जब आपने अट्रैक्टिव थंबनेल बना दिया ना लोग धड़ाधड़ क्लिक करेंगे, आप छा जाओगे, वीडियो वायरल हो जाएगी, तो बंदा जो देख रहा होता वो कहता है हूँ वेखी मैं छा जाना, थंबनेल ऐसा अट्रैक्टिव बनाना है कि वेखी जड़ा बंदा वेखेगा वेखदा ही रह जाएगा, वो अट्रैक्टिव को भला क्या समझ लेता, वो समझ लेता। मैंने कुछ लोगों के देखे हैं थंबनेल, ये जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं मैं देखता रहता हूँ, तो उनके थंबनेल भला किस तरह लगे होते हैं, मतलब ऊपर कोई भी चीज़ लिखा है ना कि व्यूज़ बढ़ाने का हैरत अंगेज तरीका। आज तो मज़ा आ गया, यूट्यूब का नया अपडेट आ गया, ओह इस तरह ये क्या हो गया। तो इस तरह नहीं थंबनेल बनाओ, नहीं करना, तो इस तरह तो बंदा बिल्कुल ही मतलब बेवकूफ सा लगता है। तो आप लोग समझ रहे थे कि शायद इस तरह करेंगे तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा, दोस्तों इसे अट्रैक्टिव नहीं बोलते, अट्रैक्टिव ऊपर कोई लाइन लिखनी पड़ती है, हाँ पिक्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार है, अगर आप ऐसी तस्वीर लगाओगे हाँ मैटर करती है, लेकिन इतनी भी ज्यादा ना लगाओ कि आप इमेच्योर लगो, मैच्योर लगो, और ऊपर जो आपने लाइन लिखनी है ना उसका ज्यादा किरदार होता है। जैसे मैं 2-3 लाइनें लिख देता हूँ ना अपने थंबनेल पे, आपको बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ब्यूटी का चैनल है, अगर आप ऊपर ऐसी भी तस्वीर लगा दोगे ना ऐसी, और ऊपर लिख दोगे कि ये चीज़ें मुंह पर लगाओ और अपना रंग गोरा करो, तो व्यूज़ नहीं आने वाले हैं। हाँ तस्वीर ऐसी वैसी लगानी है तो लगाओ, लेकिन ऊपर 2-3 लाइनें भला क्या लिखो कि ये चीज़ें मुंह पर लगाओ, इतनी गोरी हो जाओगी कि आपके हस्बैंड आपको कहेंगे कि वाह आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो, उसने सर्च किया आपकी वीडियो सामने आई, और ऊपर ने अगर ऊपर आपने अगर लिखा होगा ना रंग गोरा करने का तरीका, तो वो नहीं देखेंगे। आपने थोड़ा मसाले लगा के लिखा होगा ना कि रंग गोरा करने का ऐसा तरीका कि आप हूर परी लगेंगी लगेंगी और आपके हस्बैंड आपके दीवाने हो जाएंगे, तो कहेंगे हाँ अब देख उन वेख तू मेरे हस्बैंड जेड़े ना मेरा बंदा हूँ वेखी घर आएगा ना तो मैं वहावगी है वह मैं किसी तो घट हाँ एंड जो उन्हें लाना है मेकअप सारा है जो भी मतलब आपने बताया वो सारा लगा के मुंह धो के ऐसे बैठी होगी, उसका हस्बैंड आएगा कहेगा है आज इतने बड़ी प्यारी लग रही है की किता ही, अगो मैं कहूँगी मैं बस कभी गरूर नहीं किया पर सोने बंदे हैं ना। तो समझ गए, मतलब उसकी फीलिंग को समझना है, जो आपने ऊपर लिखना है वो अगले की फीलिंग को समझ के आप लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल व्यूज़ बढ़ाने का तरीका, ये तो सभी लिख रहे हैं, अब लोगों के व्यूज़ नहीं आ रहे, लोग सारी वीडियोज़ ऐसे ही देख रहे हैं, व्यूज़ वाली वीडियोज़ तो बहुत सारी देख ली होंगी, जब आप ऊपर लोगों की फीलिंग को समझ के लिखोगे कि मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स के व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आप ऊपर लिखो क्या वीडियोज़ डाल डाल कर थक गए हो, आप वीडियोज़ डाल डाल कर थक गए हो, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो सिर्फ आखिरी दफ़ा सिर्फ एक दफ़ा मेरी ये बात मान लो, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे या सारी ज़िंदगी याद रखोगे, मेरी एक बात मान लो व्यूज़ ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, ऐसा कुछ लिखोगे ना वो ज़रूर क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रेसिपी बनाई है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ऊपर आप लिखोगे गोश्त बनाने का तरीका, तो भाई गोश्त तो सबको बनाना आता है, कौरमा तो सबको बनाना आता है, बिरयानी तो सबको बनानी आती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर मसाला लगा के लिखोगे ना बिरयानी बनाने का ऐसा तरीका कि सारे घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे, सारे घर में खुशबू फैल जाएगी, तो फिर अंदर से फीलिंग आती है मैं हूँ वेखी इंज बनानी है बिरयानी, इंज बनाना है कौरमा, तो इंज घर वाले ने वेखना कहना है किन्ने बनाया है किन्ने, तो मैं इंज वेखांगा या वेखांगी मैं बनाया है तू तो कुक है कुक। तो तारीफ हर कोई चाहता है कि मेरी बस तारीफ हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए, अगले की फीलिंग को समझो, इस तरह की लाइन अगर आप ऊपर लिखेंगे ना तो
तो लोग आपके फैन हो जाएंगे। मैं कहता हूँ क्लिक क्या, स्क्रीन तोड़ के अंदर आएंगे और आपको देखेंगे कि भाई क्या है इसके अंदर। और वीडियोस में भी ना ऐसे एंटरटेनिंग चीज़, मतलब फुल फीलिंग अगले की समझ के वीडियो बनानी है, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लिक आएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए कि सही थंबनेल और अट्रैक्टिव थंबनेल का क्या मतलब होता है। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को पहले की तरह समझाऊं। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दें, और ये चैनल मेरा न्यू है इसको जल्दी जल्दी आपने सब्सक्राइब नहीं किया नीचे देखें इसको सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।